हुस्न के जाल में फंसा IAF अधिकारी, पाकिस्तान एजेंट को दे बैठा अहम जानकारी। नमस्कार दोस्तों, चैनल PMS मीडिया एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। यदि अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि देश दुनिया की कोई भी खबर आपसे अछूती ना रहे। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अरुण मारवा को शुक्रवार को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI को गोपनीय सूचना देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। मारवा ISI की ईगो ट्रिक में फंसकर वायुसेना की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान एजेंट को देने लगे थे। इस ट्रिक में किसी के भी ईगो पर चोट करके उससे जानकारी हासिल की जाती है। विशेष प्रकोष्ठ के विशेष आयुक्त MM ओबेरॉय ने कहा, वायुसेना अधिकारी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक मामला दर्ज होने के बाद उन्हें बुधवार को गिरफ्तार किया गया। ओबेरॉय ने आगे कहा कि ग्रुप कैप्टन अरुण को गुरुवार को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया और अदालत ने उन्हें 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। साथ ही ओबेरॉय ने यह भी कहा कि मारवाह को इससे पहले जनवरी में वायुसेना ने हिरासत में ले लिया था। उन्होंने बताया कि ग्रुप कैप्टन की गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने के बाद 31 जनवरी को वायुसेना ने उन्हें जांच के लिए हिरासत में लिया था और इसके लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क किया था। जानकारी के अनुसार मारवाह ने 2 पाकिस्तानी एजेंटों से सूचना में दस्तावेज साझा किए हैं। एजेंट उनके साथ सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर महिला बनकर चैट कर रहे थे। उन्हें लुभाने के लिए फर्जी अकाउंट किरण रंधावा और महिमा पटेल के नाम से बनाया गया था। अधिकारी ने बताया कि उन्होंने नियमित रूप से व्हाट्सएप पर चैट किया और कथित तौर पर अंतरंग संदेशों का आदान प्रदान किया। ISI एजेंटों ने उनकी कुछ नग्न तस्वीरें हासिल करने के बाद उन्हें जाल में फंसा लिया। अधिकारी ने बताया कि मारवा का विश्वास हासिल करने के बाद पाकिस्तानी एजेंटों ने अधिकारी से गोपनीय दस्तावेजों के लिए कहा। इसके साथ यह भी बताया जा रहा है कि मारवा द्वारा साझा किए गए ज्यादातर दस्तावेज प्रशिक्षण एवं हवाई युद्ध अभ्यासों से जुड़े हुए थे और ये भी पाया गया कि उन्होंने अभ्यास गगन शक्ति से जुड़े दस्तावेजों को भी साझा किया है। मारवा से दक्षिण दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में विशेष प्रकोष्ठ के मुख्यालय में पूछताछ की जा रही है और इसके साथ ही पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या उनका कोई साथी भी है। सूत्रों के मुताबिक मारवा के फोन को जब्त कर लिया गया है और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और पूछताछ के दौरान उन्होंने ये बात कबूली है कि दिल्ली के वायुसेना मुख्यालय में उनकी तैनाती के कारण कई गोपनीय दस्तावेजों और योजनाओं तक उनकी पहुँच थी। अब पूरी पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि कैप्टन अरुण मारवाह और कौन कौन सी जानकारियां इन एजेंट्स को दे बैठे हैं। तब तक के लिए आप कीजिए अगली खबर का इंतजार, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।